शाहीन बाग में खड़े होकर कहते हैं कि हिंदुओं की कब्र खुदेगी। हम कभी अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी नहीं कह रहे हैं। आप बिरयानी खाते हैं? बिरयानी हम खाते हैं। इतनी बिरयानी से इतनी बेचैनी क्यों पूरे बीजेपी को? योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आकर प्रचार करते हैं, बिरयानी पर अटैक कर रहे हैं। हमें बिरयानी से परेशानी नहीं है, हमें देश बांटने वाली बिरयानी से प्रॉब्लम है और उनको उनकी औकात बता के रहेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव अपनी रफ्तार पर है और हम भी बस में बैठे हैं। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के चीफ मनोज तिवारी हैं। सर, शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए, अपनी बस में बिठाने के लिए। आप ही की बस है मेरी, और मैं तो समझता हूँ मेरा सौभाग्य है जो आपसे बात करने का मौका मिल रहा है इस व्यस्तता के क्षणों में। सर, कहते हैं कि फरवरी और मार्च का जो टाइम होता है वो बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम होता है, और मनोज तिवारी के लिए भी एक बोर्ड एग्ज़ाम से कम नहीं है, और इतना बड़ा आपकी जिम्मेदारी में पहला बड़ा चुनाव है, 22 साल बाद से बाहर है बीजेपी, 22 साल से दिल्ली में, फिर आपका बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसी है? हमारी तैयारी अच्छी है, हमारी तैयारी अच्छे नंबरों से पास होने की तैयारी है। और दिल्ली जो सिसक रही है, जो दिल्ली कराह रही है गंदे हवा से, दूषित पानी से, स्कूलों के अभाव से, कॉलेज के अभाव से, बसों की कमी से, यमुना की गंदगी से, बच्चों के फेल होने से, उस दिल्ली को हम एक सर्वश्रेष्ठ दिल्ली, खुशहाल दिल्ली बनाने के लिए हमारी तैयारी है, और दिल्ली की जनता को हमने समझाया है और मेरा पूरा विश्वास है कि उनको समझ भी आया है। आपके विरोधी कहते हैं, जब पढ़ाई और एजुकेशन और बोर्ड एग्ज़ाम टाइप की बात हम कर ही रहे हैं, तो आपके विरोधी कहते हैं कि फिर एजुकेशन पे ही बात कर लेते, फिर क्यों शाहीन बाग की ज़रूरत पड़ी? आप एमसीडी, आप जो एमसीडी का स्कूल है वो दिखा लेते दिल्ली सरकार के स्कूल के सामने। दिखाया तो हम तो स्कूल ही दिखा रहे हैं। पिछले 5 साल में 5 लाख बच्चे फेल हो गए, तो हम तो वही बता रहे हैं सबको। हम तो मनीष सिसोदिया जी से, अरविंद केजरीवाल जी से पूछ रहे हैं, हम तो आरटीआई निकाले, दिल्ली सरकार का ही जवाब है, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप लोग नहीं आते। नहीं, बिल्कुल आते हैं, हम नहीं आते हैं तो हमें, हमारे पास, हम लाइव ज़रूर लेते हैं। अभी भी हम आपके इसमें ट्वीट ज़रूर लगातार कर रहे थे जो आप कह रहे थे जी, लेकिन हमें जो था आपका मैनिफेस्टो पे, कभी कई बार हमको इस बात का, देखो आप पर्सनली नहीं लेना, नहीं, नहीं। हम इस बात से दुखी हैं कि 5 साल में 5 लाख बच्चे, 4,98,000 बच्चे एग्जैक्टली, वो ड्रॉप आउट हो गए, वो 9वीं या 11वीं में फेल हो गए, और सिर्फ इसलिए फेल हुए कि 10वीं का रिजल्ट न खराब हो जाए, अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे कालिख की दाग न लगे, इसलिए उनको 9वीं में फेल किया गया, और उनको वापस 80% को वापस रीएडमिशन नहीं दिया गया, शिक्षा का अधिकार कहाँ गया, और उसके बाद भी 10वीं क्लास का रिजल्ट 20% ज़्यादा फेल होने का आया, ये बच्चे कैसे करेंगे? हम जब बच्चों के बीच में गए, उनसे बात करने गए, तो बच्चे कह रहे हैं कि हमको, हमारी पढ़ाई तो 2 घंटे होती है अंकल, हमको बोलिए ना ये लोग, हम लोगों को कम से कम 6 घंटा 7 घंटा पढ़ाएं। हम जब वीडियो बना करके दिखाते हैं तो ये कहते हैं कि ये नहीं होती जल्दी से, कभी सर आते कभी नहीं आते। ये वीडियो आपके अमित शाह जी ने भी शेयर किया था, इसका भी शायद आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया है कि कई सारे जो स्कूल्स आप लोग गए थे वो बंद था, टाइम पे नहीं गए। नहीं, ये खुला हुआ स्कूल है, देख रहे हैं, ये तो बच्चे स्कूल में हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे हमसे बोल रहे हैं, बच्चों को क्यों झूठा बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल? अभी जब हम आ रहे थे यहाँ पर तो कई सारे लोगों ने, जब हमने सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह से पूछा कि क्विंट मनोज तिवारी का इंटरव्यू करने वाला है, तो क्या सवाल करते हैं, जो पढ़ाई से ही मुझे याद आया कि एक एमसीडी टीचर को का बहुत कंप्लेन आ रहा है कि उनका कई महीनों से, 3-3 महीने से सैलरी उनकी नहीं मिली, और ये एक दिन की बात नहीं है, एक महीने की, एक इस बार की बात नहीं है, कई सालों से चलता आ रहा है, बड़े लोगों ने शिकायत किया है, ये उस पर क्या कहेंगे?
तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, एमसीडी स्कूल, हाँ एमसीडी के टीचर का ये सच्चाई है कि उनका वेतन नहीं मिल रहा है। एमसीडी के टीचर का वेतन कहाँ से आता है? वो एजुकेशन डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार से ही तो आता है। तो दिल्ली सरकार ने रोक रखा है, रोक रखा है कि 20,000 करोड़ रुपया रोक रखा है। आप जीतेंगे तो फिर क्या करेंगे उन लोगों के लिए? तुरंत विद इन 3 मंथ्स एवरीथिंग विल बी स्मूथ। आप देखो दिल्ली सरकार कितनी क्लास से पढ़ाना शुरू करती है, 6ठी से पढ़ाता है, तो 6ठी के पहले बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? एमसीडी में। तो जो सरकार दिल्ली की जो 1 क्लास से 5 क्लास तक के बच्चों को अपना नहीं मान सकती है, उनके टीचर्स को वेतन नहीं दे सकती है, वो फंड रोक सकती है, वो जब उनकी नींव ही कमज़ोर कर देगी तो 6 क्लास के बाद के पढ़ाने का मतलब क्या है? जब इतना सारा मुद्दा है आपके पास और आप बात कर रहे हैं एजुकेशन की, फिर ये शाहीन बाग को मुद्दा बनाने की ज़रूरत बीजेपी को क्यों पड़ गई? हम तो इस एजुकेशन पे बात करना चाहते हैं, हम दिल्ली के गंदे पानी पे बात कर रहे हैं। हमारा मैनिफेस्टो क्या है? हमारा मैनिफेस्टो में हमने कहा कि हम दिल्ली में 4.5 लाख बुजुर्गों के पेंशन रोक दिए गए, हम उसको शुरू करेंगे, उनके पेंशन की राशि को भी बढ़ाएंगे। हमने कहा बेटी पैदा होगी तो उसका अकाउंट खुलवाएंगे, 21 साल की होगी तो उसमें 2 लाख रुपया रहे। ये बीजेपी की दिल्ली सरकार में आने के बाद ये उसका संकल्प है। वो बच्ची गरीब की बेटी 9th क्लास में जाएगी, साइकिल पाएगी, कॉलेज में जाएगी, स्कूटी पाएगी, हम 2 रुपया किलो आटा देंगे दिल्ली को। हम तो गरीबों की बात कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जो लगातार बड़े बड़े नेता से लेकर हर तरह के नेता जो हैं वो शाहीन बाग CAA NRC दिल्ली के चुनाव में मुद्दा बना रहे हैं, उस पर तो आपको पार्टी में सोचना चाहिए ना। दिल्ली का कुछ है मुद्दा आपके पास? दिल्ली की सुरक्षा तो मुद्दा होना चाहिए ना। हम आप बस में जा रहे हैं और अचानक 2,500 लोग आए और बस का ये शीशा वीशा सब तोड़ करके आग लगाने लगे, ऐसी दिल्ली हमें चाहिए? हमें तो सुरक्षित दिल्ली चाहिए। किसी का बच्चा बस में जा रहा है बस जलाने लग रहे हैं, किसी का कोई खुद ही बस में जा रहा है आग लगा रहे हैं, और दिल्ली का उप मुख्यमंत्री खुद ही कहता है पुलिस आग लगा रही है, गुंडे आग लगा रहे हैं, पुलिस बचा रही है। उप मुख्यमंत्री बोलता है देखिए आग लगा रहे हैं, और वही लोग फिर शाहीन बाग खड़ा करते हैं, और शाहीन बाग की जो प्रवृत्ति है वो संयोग तो नहीं है। शाहीन बाग में खड़े होकर कहते हैं कि हिंदुओं की कब्र खुदेगी, जिन्ना वाली आज़ादी चाहिए। जिन्ना वाली या जीने वाली? जिन्ना वाली, क्योंकि कई सारे वीडियोज हम लोगों ने भी देखे हैं और उसमें जीने वाली आज़ादी की बात हो रही है। कई सारे जो फैक्ट चेक करती है जो ऑर्गेनाइजेशन, वो जीने की आज़ादी की बात उस वीडियो से वो कह रहे हैं। हाँ तो जीने की आज़ादी की दिल्ली में देश में किसको चिंता परेशानी है बताइए ना। जब आप इस ऐसे नारों की बात करते हैं तो नारे का जब नाम लेते हैं तो कपिल मिश्रा का नाम ज़रूर आता है। वो 8 तारीख को कहते हैं कि दिल्ली में इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। क्या सच में इंडिया पाकिस्तान का मैच है दिल्ली का चुनाव? अब ये तो शाहीन बाग के लोगों से पूछिए, जो शाहीन बाग जो तैयार करने वाले लोग हैं, सरजील इमाम से पूछिए, अमनतुल्ला खान से पूछिए, अरविंद केजरीवाल से पूछिए, जो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, उनसे पूछिए। तो शाहीन बाग के लोग आपके लोग नहीं हैं? शाहीन बाग उठेगा ना कि आप दिल्ली के शाहीन बाग के लोग हैं। देखो शाहीन बाग में जितने लोग हैं हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शाहीन बाग के लोग भी कह रहे हैं ये सब पता नहीं कहाँ से आके बैठ गए हैं। शाहीन बाग का RW तो उसका विरोध कर रहा है, वो शाहीन बाग के लोग नहीं हैं, वो तो पैसे पर भाड़े पर लाए हुए लोग हैं। स्टिंग आ गया ऑपरेशन, वहाँ पे बिरयानी खिलाई जा रही है और वहाँ पे बच्चों के साथ महिलाओं को बिठाया जा रहा है। किस बात पर बिठाया जा रहा है? कहते हैं NRC वापस लो तब जाएंगे। अरे NRC आए तब तो वापस लें। लेकिन आपके गृहमंत्री अमित शाह ने ही तो कहा है कि क्रोनोलॉजी समझिए, लोग उसी पे शक में हैं। तो अगर कोई नाराज़ है या किसी को चीज़ें समझ में नहीं आ रही आपके हिसाब से, तो क्यों नहीं आप लोग वहाँ पर आपकी पार्टी से या आपके मतलब हमारी सरकार से कोई जाकर उनसे बात करता वहाँ के लोगों से? दिल्ली में गृहमंत्री, दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली गृहमंत्री के पास है, वो बात करते ना उनके सामने। इतना बड़ा कोई पैसा लेकर काम हो रहा है, सब कुछ आप आरोप लगा रहे हैं, तो क्यों नहीं कार्रवाई की आप लोगों ने? वहाँ पे गृहमंत्री को गोली मारने की बात हो रही है, अब बताइए इतनी बड़ी बात है, एक भी केस दर्ज नहीं। अरे किस पे दर्ज करोगे केस? उन बच्चों पे केस दर्ज करें जो लोग नारे लगा रहे हैं, और भी तो लोग, बच्चों को कोई लेकर तो आया होगा। तो बच्चों को लेकर के जो आया है वो मनीष सिसोदिया ने कहा ना हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, उन्हीं पे केस कर लेते हैं आप। तो होगा ही केस, होगा ही केस।
उनको वो कोई बचा ही नहीं सकता ऐसे देश विरोधी समर्थकों को, कौन बचाएगा भैया। चलिए हम लोग थोड़ा सीरियस टॉपिक से हट के बात करते हैं, आप बिरयानी खाते हैं? बिरयानी हम खाते हैं। फिर इतनी बिरयानी से इतनी बेचैनी क्यों पूरे बीजेपी को? योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आके प्रचार करते हैं बिरयानी पर, हमें बिरयानी से परेशानी नहीं है, हमें देश बांटने वाली बिरयानी से प्रॉब्लम है और उनको उनकी औकात बता के रहेंगे। अभी तक कहा गया है कि मनोज तिवारी के मुँह से थोड़ा अटपटा शब्द नहीं निकला है, जिसको हम लोग विवादित बयान कहते हैं, बहुत सारे लोग ये बार बार कह रहे हैं। लेकिन उसी तरह प्रकाश जावड़ेकर के बारे में भी कहा जाता था कि उनके वो भी बड़े पोलाइट हैं, आपका नाम जैसे मृदुल है उस तरह आप मृदुल हैं, अभी तक आपके बारे में ये कहा जाता है। लेकिन प्रकाश जी ने कल जो कहा है कि टेररिस्ट वाली बात जो कही है अरविंद केजरीवाल सीएम को, आपको लगता है क्या ये सच में आप टेररिस्ट किसी चीफ मिनिस्टर को कहना चाहिए? नहीं, प्रकाश जी ने उनको टेररिस्ट नहीं कहा, प्रकाश जी ने उस सवाल का जवाब दिया जो वो पूछ रहे हर जगह जा जाके कि क्या मैं आतंकवादी हूँ, क्या मैं वो तो आपके ही नेता ने कहा था कि नक्सल हैं, तभी उन्होंने उसका जवाब नहीं नहीं नक्सल देखिए उन्होंने हमारे नेता ने कहा कि इनका व्यवहार आतंकवादियों सा है। तो आप बताइए, हम दो तीन घटनाएं याद करते हैं, हम कभी अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो आतंकवादी विचारधारा को समर्थन तो दे रहे हैं। उन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों पे केस नहीं चलने दिया, आप भी अवेयर हैं। उन्होंने इंडियन आर्मी मुर्दाबाद कहने वालों पे केस नहीं चलने दिया, वो पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादी के घर रुके, यही तो प्रकाश जी बोल रहे हैं। आप बताओ, जानते हुए कि एक आदमी खालिस्तानी जो डिमांड करता हुआ आतंकी है रहा है, उसके घर पे आप रुक रहे हो, व्हाट इट मींस, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपका अमानतुल्ला खान और सरजील इमाम एक साथ स्टेज शेयर करते हैं और सरजील इमाम कहता है भारत से आसाम को हम अलग करके काट देंगे, तो फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये हम पूछ रहे हैं कि आप क्या आतंकवादियों की समर्थन अपने व्यवहार से नहीं कर रहे हैं? हम तो ये पूछ रहे हैं, हम न उनको आतंकवाद, वो आतंकवादी कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को देशद्रोही कहे हैं। और देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंसा को नहीं बढ़ावा देती है, और हम मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों के प्रयोग के हम समर्थक नहीं हैं। ऐसे शब्दों के आप समर्थक नहीं हैं, लेकिन आपके ही नेता अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, नाम लिस्ट लंबी हो रही है, और वो स्टेज से नारा लगाते हैं कि गोली मारो, आगे मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, नहीं, आप नहीं। क्या आपको लगता है क्या मनोज तिवारी ऐसे भाषण को, ऐसे शब्दों को क्या आप अपनाएंगे? आपको लगता है ऐसे, क्या आप अपने बच्चों के सामने ऐसे शब्द बोल सकते हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप निंदा करेंगे ऐसे? एकदम निंदा करते हैं, मना किया उन लोगों को, उनको बोला है तो उन्होंने कहा कि भाई साहब पूरे सड़कों पे नारा लग रहा है कि प्रधानमंत्री को गोली मारो, हिंदुओं की कब्र खोदो, हम इसको बर्दाश्त करें? तो भी हमने कहा वो जो करते हैं वो उनको अपना कर्म करने दो, बीजेपी का कोई व्यक्ति ऐसे नारों में नहीं जाएगा, ये हमने स्पष्ट किया। आज ही कपिल मिश्रा ने कब्र खोदने का एक ट्वीट कर दिया है। भाई देखिए, वो तो आपकी बात नहीं मान रहे लोग। नहीं नहीं नहीं, आप चीफ हैं सर, हमारी बात बिल्कुल मानेंगे, और जो नहीं मानेगा उसके साथ हम सख्त कार्रवाई भी करेंगे। चलिए, एक मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है, आपकी ही एक वीडियो आई है इलेक्शन से पहले, दिल्ली इलेक्शन, उसमें एक वीडियो में है कि जहाँ पे द्रोही शब्द का इस्तेमाल हुआ है, कि जो लोग देशद्रोही हैं इस टाइप के, वहाँ पे बॉलीवुड के कुछ स्टार्स की फ़ोटो लगी हुई है, जिसमें से अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा, इन लोगों की फ़ोटो है। फिर जहाँ पे आया है कि जिनकी तादाद बढ़ेगी वहाँ जामा मस्जिद की फ़ोटो लगी हुई है, मतलब पॉपुलेशन की बात जहाँ हो रही है, जहाँ फिर द्रोहियों की बात हो रही है वहाँ फिर मुसलमानों की फ़ोटो, जो टोपी लगाए हुए लोग हैं उनकी फ़ोटो लगी हुई है। कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं? आपने भी उसको ट्वीट किया है सर? हमने, वो पिंड ट्वीट है बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे, दिल्ली वाले पे। क्या है ये, हमको जानकारी नहीं है। आपको जानकारी, लेकिन आपने ट्वीट किया है, ये आपके वेबसाइट, आपके ट्विटर हैंडल पे है, और वो ट्विटर में पूरा नहीं, मनोज नहीं, ट्विटर पे ट्वीट किया है आपने, रीट्वीट किया है, और उसको बदाफ्ते उसमें जहाँ जहाँ पर, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, आपको मालूम है कि हम शॉर्ट्स किस जगह पर लगाते हैं, वहाँ पे रिप्रेजेंटेशनल इमेज क्या होती है, उस रिप्रेजेंटेशनल इमेज में जहाँ पे द्रोहियों का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे बीजेपी ना बॉलीवुड के स्टार्स की फोटो है, जो लोग आपके सीए और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं,
उसी तरह जहाँ पे द्रोहियों की बात है वहाँ पे मुसलमानों की फोटो लगी हुई है, जहाँ पर आपको आबादी की बात है वहाँ जामा मस्जिद की फोटो। इस रिप्रेजेंटेशन को क्या आप इस तरह से हमने कोई रिट्वीट नहीं किया है, आप पूरी जानकारी कर लें, हम इसको रिट्वीट नहीं किए। बीजेपी दिल्ली के ट्विटर हैंडल पे पिंड ट्वीट है, पहला ट्वीट वही दिखता है बीजेपी के। अच्छा तो वो हम उनसे बात करते हैं, उसमें कुछ बात होगी तो उसका एक कारण होगा, और अदरवाइज हम इस किसी बात का जवाब दिया होगा। देखो आप देखो ना, मेरी फोटो को कैसी कैसी फोटो बना करके अरविंद केजरीवाल दुरुपयोग कर रहे हैं, आपने देखा कि नहीं, किस प्रकार से भोजपुरी संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। वो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, हम तो उनको बताए हैं कि दिल्ली को पसंद है रिंकिया के पापा। तो रिंकिया के पापा से याद आया कि हमारे साथ अगर जो लोग आप भोजपुरी नहीं समझते हैं, नहीं जानते होंगे, शायद कुछ लोग नहीं जानते हो, तो रिंकिया के पापा इन्होंने ही गाया था। हाँ जी हाँ, मैं सिंगर हूँ, मैंने रिंकिया का पापा गीत गाया है, और रिंकिया के पापा गाने का और रिंकिया के पापा होने का मुझे गर्व है। रिंकिया के पापा मतलब बिटिया के पापा। तो भैया बेटियों को तो ऐसे ही भ्रूण हत्या से मार डालते थे, मैं तो कह रहा हूँ कि बेटी के पापा को हंसने दो, बेटी पढ़ाओ बेटी हंसाओ, बेटी के पापा को थोड़ा हंसाओ। हम तो ये इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल बेटी का पापा होने को शर्म समझते हैं, मैं उसको गर्व समझता हूँ। एक सवाल बार बार उठता है बीजेपी के ऊपर, यह आरोप हमेशा उठता है, हर चुनाव में उठता है, ये शायद तो पुराना सवाल भी हो गया है कि बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, और इस विधान 70 विधानसभा आपकी है, इसमें आपने बीजेपी ने एक भी मुसलमान कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नारा फेल है सर यहाँ पे। तो भैया हम कई बार दिए ना टिकट तो उनको जिताती ही नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी। देखो हम जिन जिन क्षेत्रों में मुस्लिम भाई बहन ज़्यादा हैं वहाँ हमने मटिया महल से हमने पहले दिया था, अब हरा देते हैं लोग, तो फिर हमने दूसरा ऑप्शन लिया है कि चलो कोई बात नहीं, अब हम ऐसा करते हैं कि अब आप नहीं जिताते हो तो हम उनको राज्यसभा से ले आते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी को हमने बनाया ना मंत्री, उत्तर प्रदेश में मोहसिन भाई को हमने बनाया ना मंत्री, अब नहीं जिताए तो भी हम मंत्री बना, अब जिता ही नहीं रहे तो हम क्या करें, हमारी कोई गलती है। अगर आप, कहा जाता है सीएम इन वेटिंग है, मौका मिलेगा तो चौका लगा देंगे। देखिए हम तो इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, संकल्पित हैं कि अगले 5 साल में दिल्ली को खुशहाल दिल्ली बना के छोड़ेंगे, अगले 5 साल में दिल्ली को यमुना की कलकल धारा से बहती हुई यमुना जी बना के छोड़ेंगे, रिवर फ्रंट बनाएंगे, किसी नाले को यमुना जी में नहीं मिलने देंगे, और हम दिल्ली के किसी भी जगह पे जैसे ही हमारी सरकार आ जाती है हम शाहीन बाग नहीं बनने देंगे, हम शांति बाग बनाएंगे। आप शाहीन बाग बिरयानी खाने चले क्यों नहीं जाते हैं? अरे गुरु मरवाना चाहते हो मुझे, वो हमारे प्रधानमंत्री को गोली मारने की बात कर रहे हैं सब, वहाँ पे भ्रमित लोग हैं, क्यों मुझे पत्थर पड़वाना चाहते हो? हमने तो आपको लगता है कि आप जाएंगे तो लोग पत्थर मारेंगे? नहीं ये तो बात आपको अरविंद, हाँ हमको मार सकते हैं, पुलिस सर आपके पास है, होम मिनिस्ट्री आपके पास है। ठीक है अगर मान लो कि वो नहीं मार पाए, उन्होंने अटैक कर दिया, पुलिस लाठी चार्ज कर दी, तो बच्चों का क्या होगा, जो छोटे छोटे बच्चे महिलाएं हैं, किसी को तो बात करनी होगी ना, बिरयानी खाने ही आ जाइए, चले जाइए कहिए बात करेंगे। अरे भैया रविशंकर प्रसाद जी ने उनको बुलाया है, प्रतिनिधियों को बुलाया, वो आ ही नहीं रहे हैं, बुलाया कि अपने प्रतिनिधि को भेजो अपने हेड को भेजो, अब अरविंद केजरीवाल कैसे जाए, वही हेड है वहाँ की, मनीष सिसोदिया कैसे जाएगा, उसकी अभी देखो गोली चलवा रहे हैं, गोली किसने चलाया? सर आपके नेता लगातार कह रहे हैं गोली मारो, आगे मैं नहीं लगाऊंगा वर्ड, बीप करना पड़ेगा हमें वीडियो, ठीक है बार बार कह रहे हैं, उसका नतीजा देखिए, 3-3 लोग गोली लेकर बंदूक लेकर बाहर आ गए। नेताओं ने किसी ने नहीं कहा गोली मारो, नेता ने तो पूछा कि देश के गद्दारों को तो जनता का ये गोली मारो, हम योगी जी ने तो कहा है गोली, उसका ऐसी चीजों का बदला तो गोली है। नहीं 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 वो कानून को अपना काम करने को बोल रहे हैं, कानून हाथ में लेने का कभी बीजेपी समर्थन नहीं करती है। आप योगी जी की बात को समझिए, जो देश से गद्दारी करेगा
उसको कानून सजा देगा। इसलिए बीजेपी कभी ये उनको गोली मारने की बात नहीं कर सकती। अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है, मैनिफेस्टो के बाद कहा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि कल 1 बजे का टाइम है, बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करे और उनके साथ डिबेट कर ले। आप तैयार होंगे? तो ये तो मान लिया है ना अरविंद केजरीवाल ने कि बीजेपी सरकार में आ रही है। कह रही है सीएम कैंडिडेट, तो सीएम तभी ना बनेगा जब सत्ता में आएगी। कर लीजिए ना बहस, क्या जाता है, हम ही मॉडरेट कर देंगे। नहीं, हम तो कह ही रहे हैं कि आपको ये विश्वास हो गया है ना कि बीजेपी का सरकार बनने जा रही है, सीएम कौन होगा, आपको सीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा। आप याद रखो, सीएम कोई भारत का बेटा होगा, दिल्ली का कोई बच्चा होगा। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम अपने हमारे इंटरव्यू में एक चीज़ होता है कि हम एक नाम लेंगे, एक शब्द बोलेंगे, आपको उसको डिस्क्राइब करना है, वो आपकी मर्जी, आप कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, फंसाऊंगा नहीं बिल्कुल। खुद फंस जाए तो मुझे मत बोलिएगा। चलिए नाम लेते हैं अरविंद केजरीवाल। क्या दिमाग में आता है पहला वर्ड सुनते ही, अरविंद केजरीवाल नाम सुनते ही? एक अराजक व्यक्ति, पलटूवाल। चलिए, अच्छा आपने टेररिस्ट नहीं कहा। नहीं नहीं, हम कहेंगे, नहीं कभी हम नहीं कहेंगे। मनीष सिसोदिया, भ्रष्टाचारी। राहुल गांधी, कंफ्यूज। मनोज तिवारी, भोला भाला, दिल का सच्चा। भोला भाला मृदुल भी कह सकते हैं, मृदुल भी कह लीजिए। नरेंद्र मोदी, समाज सुधारक। चलिए, तो आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और इसी तरह आप बात टाइम देते रहिए, नाराज ना होकर टाइम दीजिए। हम चाहते हैं कि आप हर 15 दिन पे हमसे मिलें, और हमारी सरकार बनने के बाद भी आप मिलें, ताकि हम आपके सुझावों को लेकर के दिल्ली को सजाएं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।